नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ज्योतिष की एक विधा है जिसका नाम है अंक ज्योतिष। इस अंक ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करते हैं। इस अंक ज्योतिष में एक होता है मूलांक। ये मूलांक हर किसी के जीवन का एक शुभ अंक होता है। तो हम इस मूलांक को कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि हमारा मूलांक क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे किसी का भी जन्म 1 से लेकर 31 तारीख के बीच का होता है, यानी अगर 21 से जन्म की तारीख है तो उसका मूलांक वही होगा, यानी 1 से लेकर के 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1 से लेकर 9 तक अगर आपका जन्म है तो आपका मूलांक वही होगा, और अगर दहाई है तो, दहाई का मतलब 10 से लेकर 31 तारीख तक, तो फिर हम किस तरीके से वो शुभ अंक निकालें। मान लेते हैं कि हमारा जो जन्म है वो 20 तारीख का है, तो फिर हमारा मूलांक क्या होगा। तो 20 तारीख अगर हमारा जन्मदिन है तो 20 का मतलब हो गया कि 20 में दो अंक हो गए, 2 और 0, हम 2 और 0 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद आ गया 2 आया, तो फिर हमारा जो मूलांक है वो 2 हो गया। इसी तरीके से अगर दोनों अंकों का जोड़ दहाई में आता है तो मूलांक कैसे निकालेंगे। उदाहरण के लिए ले लेते हैं 29 तारीख, किसी का जन्मदिन 29 तारीख है, जन्म की तारीख कितनी है 29, तो इसमें 2 अंक हुए, 1 2 और 1 9, दोनों को जोड़ा, 2 प्लस 9 मिलकर के हो गया 11, तो जो 11 हो गया तो इसमें भी इकाई दहाई हो गए, तो उस 11 को अगर हम जोड़ते हैं फिर से, 1 और 1 जोड़ा, तो जोड़ने के बाद आया 2, हमारा मूलांक हुआ 2। तो इस तरीके से हम मूलांक निकालते हैं। ये जो मूलांक होता है ये मुख्य अंक होता है, ये शुभ अंक होता है, हमारे जीवन का शुभ अंक होता है। तो मित्रों, जिनका मूलांक 3 होता है, यानी जिनके जन्म की तारीख 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, उनका मूलांक 3 होता है। मूलांक का मतलब होता है शुभ अंक, यानी आपके जीवन में शुभ अंक क्या है। अंक ज्योतिष, अंक क्या होता है, अंक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये अंक होते हैं। और दुनिया का कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, इन्हीं अंकों से मिलकर के बनती है, इससे परे कोई संख्या नहीं बन सकती है। और 1 से लेकर 9 तक जो अंक है, हमारे ग्रह भी 1 से लेकर 9 तक है, तो ये जो अंक होते हैं ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 3 अंक वाले, यानी जिनका मूलांक 3 है, उनके जीवन में इस अंक का, इस शुभ अंक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि 3 अंक जो है, 3 अंक का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति, अगर हम राशि चक्र में देखें तो बृहस्पति धनु और मीन, 2 राशियों का मालिक होता है, ये राशि चक्र में उसका स्थान। बृहस्पति का अपना एक महत्व है। बृहस्पति देव क्या करते हैं, यानी जिनका मूलांक 3 है उनके लिए बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके जीवन में और तरक्की लाने के लिए, उनके जीवन में और समृद्धि लाने के लिए
बृहस्पति का बहुत योगदान रहता है। जिनका मूलांक 3 है वे स्वभाव से बहुत ही भावुक, बहुत ही उदारवादी होते हैं। हम कह सकते हैं कि उदारवादी होते हैं, पालक होते हैं, पूरे समूह को लेकर के चलने वाले लोग होते हैं, समाज को लेकर चलने वाले लोग होते हैं ऐसे। और ऐसे लोग की समाज में इज्जत भी होती है, उन्हें सम्मान भी मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि हमारा जीवन है तो परेशानियां भी आएंगी और खुशियां भी आएंगी, हम इन चीजों से दो चार होंगे। लेकिन ऐसे में जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो उनका निदान हम कैसे करते हैं? तो अंक ज्योतिष के माध्यम से मूलांक जो होता है वो हमारे लिए शुभ अंक होता है, और 3 अंक वालों के लिए अगर उनके जीवन में परेशानियां हैं तो उन्हें बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। उनके लिए शुभ दिन भी बृहस्पति होता है, और इसके लिए बृहस्पति का जो मंत्र है, वैदिक मंत्र है, उसका हम एक माला प्रतिदिन जप करें तो यकीनन जिंदगी बदल जाएगी। हम जिस मुकाम पर हैं, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो उसमें और भी तरक्की हमें मिल जाएगी। और अगर हम परेशानियों से गुजर रहे हैं तो उन परेशानियों से निजात मिलेगी। तीन मूलांक वाले लोगों के लिए बृहस्पति का वैदिक मंत्र ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप एक माला 108 बार प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो यकीनन आपको सफलताओं पे सफलताएं अर्जित होंगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो शुभ अंक है ये आपके लिए समृद्धि लेकर आएगा। इस शुभ अंक से हम अपने जीवन की अंक गणित को ठीक कर सकते हैं। इस मूलांक के माध्यम से हम अपनी तरक्की को और अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं। ये महत्व है इस अंक का, मूलांक का। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। और ज्योतिष से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नमस्कार।